राहुल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ, स्वागत है राहुल आपका। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। मेरी एज 20 ईयर था। हेलो जी, तो जी मुझे स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है थोड़ी। ठीक है, तो मेरे को कुछ घरेलू इलाज बताइए। ठीक है, तो देखिए बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारिए और खाना ऐसा खाइए कि आप आसानी से हजम कर सकें। एक तो ये इलाज है, आधा इलाज ये है कि खाना आप बहुत तेज़ मिर्च मसालों का ना खाएं, बाहर का ना खाएं, अपनी घर वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाएं। और घर वालों को चाहिए कि घर के पिसे मसालों का खाना आपको खिलाएं, कम से कम मसाले। एक ये है कि ये कैस्ट्रॉल ऑयल जिसे कहते हैं, कैस्ट्रॉल ऑयल जिसे अरंडी का तेल हम गांव की ज़बान में कहते हैं, एक चम्मच रोज़ पिया करिए। गर्म पानी और दूध जो भी साथ में लेना चाहें ले सकते हैं, दूध भी गर्म हो, गर्म पानी भी हो। एक सबसे अच्छा इलाज है कि बेल पत्थर जिसे कहते हैं हम, या पत्थर बेल भी कहते हैं, जिसका शरबत भी गर्मियों में खूब बिकता है, तो इंग्लिश में कोविट कहते हैं, इसको खाएं। जब भी ताज़ा मिले तो इसे खाया करें और पानी ज़्यादा पिया करें। ये एक अच्छा इलाज है। और क्योंकि अब बेल पत्थर ख़त्म हो गई है तो इसका मुरब्बा मिलता है, मुरब्बा आप लीजिए और एक कतला रोज़ाना सुबह निहार में खाया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। भगवान नरोडे जी, बताइए अपनी सवाल कीजिए यहाँ पे। जी फरमाइए। जी आदाब, फरमाइए, क्या सवाल है आपका, क्या सेवा है? मेरा सवाल को जी, मेरे को शराब छोड़ना है। दोबारा से दोहराइए एक बार। हाँ, शराब छोड़ना है। आपको सर में दर्द है? हाँ। आपका सवाल हमें समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को सिर्फ शराब छोड़ना है। शराब छोड़ना है? शराब छोड़नी है। देखिए एक शेर याद आता है, मैं अक्सर सुनाता हूँ कि कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मैं कदा शराब खाने को कहते हैं। अच्छा, देखिए शराब का हौसला करिए छोड़ने का, ये बहुत कीमती है। और कुछ लोग ऐसे भी शराब छोड़ते हैं कि एक शराब जैसी चीज़ आती है लेकिन वो शराब नहीं होती, वो सुकून होता है। और वो है देखिए जैतून का सिरका, जैतून का सिरका लीजिए और वैसे ही बोतल लीजिए, वैसे ही चखना उखना रखिए, जो शराब पीने वाले चखते हैं ना कुछ खाते रहते हैं, इसके 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में डालिए, ये बिल्कुल वैसे ही रंग का होता है और इसको आप पीते रहिए। ये वैसा गंदा मज़ा नहीं होता, ऐसा का खट्टा मज़ा होता है। और चखना खाते रहिए, आप जितना चाहे पी सकते हैं इसको, और ये आप पीते रहेंगे चखना खाते रहेंगे, आपको इतना सुकून मिलेगा, आप बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे बल्कि आप होश वाली बातें करेंगे। ये उतरता हुआ नशा है, शराब जो चढ़ता हुआ नशा होता है वो नहीं है। ये कोशिश करके देख लें, आपको लुत्फ वैसा ही आएगा, वही मज़ा आएगा जो शराब में आता है, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देती, आप इसे करके देख लें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सीता दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है सीता आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब सीता जी। नमस्कार जी। जी आदाब सीता जी। जी ऐसे है, मेरा लड़का है 50 साल का, तो उसको ना 2.5 साल पहले हो गया था पीलिया से, लीवर पर उसको एक इफेक्ट पड़ गया, तो फिर हमने मतलब दवाई दवाई ली उनकी, तो फिर आपके इधर भी गए थे, वो है ना इधर लिबर्टी के पास जो ऑफिस है क्लिनिक, ठीक है, तो वहाँ पे गए थे, उन्होंने हमें पी केयर एडवाइस करी थी। अच्छा, क्या हाल है? दो डब्बे वहाँ बच्चे का, दो डब्बे वहाँ, अभी उसको है क्रॉनिक डिजीज है, उसको लीवर की थोड़ा पे और हर्निया भी उसके साथ हो गया, अम्ब्रेला हर्निया आगे जो नाभ भी है ना वो बाहर निकली हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए पी केयर तो छोड़े नहीं, और अगर हर्निया है तो फिर उसका शायद ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, और
पीकेयर आप अभी तक वैसे फ़ायदा हो जाना चाहिए था, अगर थोड़ा सा रह गया तो और कुछ दिन भी आप इन्हें दे सकते हैं। पीकेयर लीवर और पेट, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर और बहुत सारे मर्ज के लिए है, जो स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इन्हें देते रहिए और छोड़ना नहीं, क्योंकि क्रोनिक हो गया था उनको, इसलिए ज़्यादा टाइम लग सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं गुनगुन, रामनगर से हमारे साथ, स्वागत है गुनगुन आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी, मेरी मम्मा की पिगमेंटेशन। क्या दिक्कत है आपकी मम्मी को? फिर से पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन है? हाँ जी। क्या उम्र है आपकी मम्मी की? 38 होगी। अच्छा, आप नंबर नोट कर लीजिए जो आ रहे हैं, और इस पर आप उनसे, जो एक लाइव नंबर आ रहा है उस पर नहीं, जो अभी तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, अगर वो दूसरा नंबर है जो है वो नोट कर लीजिए, या दोनों नोट कर लीजिए, फिर वो फ़ोन कर लें हमारे डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर को, तो तफसील से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे और उनको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दर्शकों। रोग संबंधी कोई भी प्रश्न क्यों ना करना हो आप लोगों को, आप जान सकते हैं घरेलू उपचार, आप लोग जुड़ सकते हैं यूनानी पद्धति से, प्राकृतिक चीज़ों से, बस आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, अगर बात करें अतिया हर्ब्स की, तो आप सभी जानते हैं कि अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइज देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जो सीधे आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है मनोज आपका। हेलो। हाँ जी। जी मनोज, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी बेटी है 12 साल की। ठीक है। उसके बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ, तो वो जब कंघी करती है तो बाल बहुत बहुत टूट जाते हैं। कहाँ रहते हैं मनोज भाई आप? मैं उजियानी बदायूं। ठीक। तो देखिए, जिन बच्चियों के या बच्चों के बाल ज़ाया होते हैं, उनके लिए एक अच्छा इलाज ये है कि नारियल पानी एक रोज़ाना पिया करें। अगर आपके यहाँ नारियल पानी मिलता है तो बहुत अच्छा है, रोज़ एक पिला दिया करिए, आप देखेंगे कि बच्ची के बाल संभाले नहीं जाते। और उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी है तो फिर इसके साथ एक घरेलू नुस्खा भी ले सकते हैं। वो नुस्खा यह है कि आधा ग्राम या उससे भी कम मोरिंगा का गौन रोज़ाना आप इन्हें इस्तेमाल कराइए, पानी में, दूध में या नारियल पानी के साथ ही, तो बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है रितेश, इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैम, हकीम जी से बात करनी थी मुझे। जी आदाब, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात, बताइए क्या सवाल है। आदाब सर, तकरीबन 5-6 साल से मुझे शरीर में काफी इचिंग वगैरह होती है, और मतलब स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो कुछ भी बंद नहीं होती है, और एलोपैथी और सारे इलाज करा दिए, लेकिन मैं थक गया हूँ इलाज करा कर। ठीक है। नहीं, हम आपको थकने नहीं देंगे, और यकीनन ऐसा इलाज बताएंगे कि आपको हफ्ते दो हफ्ते में फ़ायदा हो जाए। और घरेलू नुस्खा आप लिख लीजिए, आपके घर में दोनों चीज़ें आपके किचन में मिल जाएंगी। और देखिए, नुस्खा यह है कि अलसी आप ले लीजिए, अलसी तो आप जानते ही हैं ना, अलसी को ले लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लें बस, इसको साफ सूफ करें, कंकर भी मिले होते हैं, हल्का सा भून लें और इसको पाउडर बना लें, एक चम्मच अलसी और आधी चुटकी खाने वाला सोडा मिक्स करके रोज़ खाया करें, एक बार या दो बार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दो बार, नहीं तो एक बार काफ़ी है। और ये अलसी और ये खाने वाला सोडा आप शुरू करेंगे, ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो चलिए, आपको फ़ायदा होना ज़रूर मुमकिन है, लेकिन वो तभी जब आप ये घरेलू उपचार अपनाते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार दर्शकों आप सभी के सामने फ्लैश की जा रही हैं। अगर आपका कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो ये नंबर आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आप इन नंबर्स पे कभी भी संपर्क साध सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, जी फरमाइए। जी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर मैं। बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, हमारा सवाल ये है कि जो मेरे पापा हैं उनके सिर में डेंड्रफ टाइप की प्रॉब्लम है सर, तो उससे हल्की हल्की सी चमड़ियाँ भी निकलती है सिर की। कंकरियाँ? हाँ, चमड़ी निकलती है, मतलब हल्की हल्की सी। सर में है बस? हाँ सर, माथे में जो चमड़ी रहती है ना, सफेद सफेद निकलती है वो, मतलब हल्की हल्की। अच्छा देखिए, डैंड्रफ अगर होता है तो बहुत आसान इलाज है, अगर सर में है, कि ये जो घर में महिलाएं घी निकाल लेती हैं, मलाई बचा बचा के, और पुरानी औरतें तो निकालती थी, पता नहीं नई बच्चियां निकालती हैं या नहीं, तो जो दूध आता है घर में उसका उसकी वालाई को जमा कर करके वो उसे फिर जला के उसमें से घी निकाल लेते थे। मेरी माँ तो ऐसा करती थी और बीवी भी करती है, आपके यहाँ पता नहीं, नहीं तो असली घी कहीं भी मिले तो वो रोज़ाना रात को अपने सर में लगा के और कुछ बांध के सो जाया करें। अगर एक हफ्ता करेंगे, अगर डैंड्रफ है तो वो ठीक होना मुमकिन है, और अगर सोराइसिस है तो उसका आपको इलाज करना पड़ेगा। सोराइसिस का इलाज अलग है, आपने डैंड्रफ की बात की है तो मैंने डैंड्रफ का इलाज आपको बता दिया। जी नेक्स्ट कॉलर हैं शंभू नागौर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार अखिल साहब। जी आदाब आदाब सर। मेरे को क्या शरीर के अंदर मेरे कंपन रहती है। ठीक है शंभू जी, कुछ और भी बताना चाहेंगे? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 उम्र है सर। वो कब से है कंपन? ये कंपन बचपन से आज भी ज्यादा होने लगे। ठीक है। अच्छा, और पूरी बॉडी में है या ऐसा लग? नहीं, हाथों में ज्यादा है, बाकी बॉडी में पूरी में है, ऐसे बात करते हैं तो होठों में वगैरह, पूरे शरीर में है। ठीक है, अब अपनी बीमारी पर तवज्जो दें। और देखिए अश्वगंधा, अश्वगंधा समझ लें आप क्या होता है, एक डंडियाँ होती हैं, ये सबको रॉ मटेरियल लेना है आपको। अश्वगंधा 100 ग्राम और कलौंजी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और गोंद स्याह 100 ग्राम, यानी काला गोंद आता है, काले रंग का, यानी ब्राउन रंग का होता है, काफ़ी कड़वा होता है, ये बाहर से मिलेगा, बाकी तो वहीं मिल जाएगा, तो इसको पाउडर बना लीजिए और आधा से 1 ग्राम एक वक्त में खाइए, दूध से खाएं या फिर आप जूस से खाएं, और गरीब आदमी है तो पानी से भी ले सकते हैं। अगर पानी से लेना पड़े तो एक ही खुराक खाएं दिन में, और अगर दूध या जूस से लेते हैं तो 2 खुराक भी ले सकते हैं, 1-1 ग्राम लेना है और आपको फ़ायदा मुमकिन है। बताते रहिए हर महीने, अगर हमें कॉल नहीं मिल पाता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी डॉक्टर को सारी रिपोर्ट दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रामलाल गोविंद नगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। आदावर जकीम साहब। जी आदावर साहब। मैं जिला पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी बेबी को अस्थमा की दिक्कत है ना, 8-10 साल हो गए हैं। आपकी पत्नी को अस्थमा की दिक्कत है? हाँ जी हाँ। क्या उम्र है उनकी? उनकी 58 मैडम। 58। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं मैडम। ठीक है जी। ये कफ होता है उनको? हाँ कफ कम नहीं होता है, जब तो पहले होता था छींके काफी आती थी, खांसी होती थी, लेकिन आजकल नहीं है, आजकल सिर्फ अस्थमा की दिक्कत है और इनहेलर लेते हैं मैडम सर वो। ठीक है, और कोई तो रोग नहीं ना? नहीं और सर कोई दिक्कत नहीं जनाब। अच्छा देखिए, एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ और दवा भी बता दूंगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। घरेलू नुस्खा तो यह है कि अलसी 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम और लिसोड़ा 100 ग्राम,
ये 100-100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम पीपलें जो आपके किचन में अपनी घर में पूछिए कि पीपलें जानते हैं कि नहीं। गरम मसालों में एक चीज़ होती है पीपलें, हालांकि कभी मर्द लोगों को पहचान नहीं होती, औरतों को पहचान होती है, वो भी कभी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग, हालांकि करनी चाहिए, खांसी के और इसका दुश्मन है। 20 ग्राम पीपलें ले लें और इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें और एक चम्मच रात को, और ये काफ़ी दिन तक आपको देना पड़ेगा, जिसमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। 1 महीने दीजिए, फ़ायदा नज़र आए तो आप 1 साल भी ले लेंगे। मैं जानता हूँ मरीज़ की कैफियत को, और अगर बाकायदा वैसे इलाज करें तो माजून आर केयर सुबह शाम इसी तरह लेनी है गर्म पानी से। दूध का और खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। तो चलिए रामलाल जी, आपने अपनी पत्नी के लिए जितने भी उपचार पूछे थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बता दिए हैं। एक एक बात को दर्शकों नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। अगर कोई भी बात सुनने से आप लोग चूक जाते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं।